हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। मुझे एक न्यूज़ मिली, मैं अपनी फैमिली को कॉल करने वाला था। मैं मिडिल ईस्ट में होता हूँ तो मुझे बहुत फिक्र थी उन लोगों की, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। 2 दिन पहले मेरे पास एक दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया कि क्योंकि हमारे यहाँ जो है हर चीज़ का माफिया बैठा हुआ है, तो करोना वायरस आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अभी स्प्रेड हुआ हुआ है और सब लोग पैनिक सिचुएशन है। तो हमारे यहाँ भी एक गैंग जो है वो सरगरम हुआ हुआ है और वो ये शो कर रहा है कि हम हुकूमत की तरफ से आए हैं और घरों पे जाके वो चेक कर रहे हैं कि हम करोना चेक करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने कोई भी इस तरह की टीम नहीं बनाई है जो घरों पे जाकर चेक करे। हाँ, वो उन लोगों को कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं उनकी तो स्कैनिंग हो रही है, लेकिन जो बाय रोड जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और जो है वो छुप छुपा कर अपने घरों पर भाग गए हैं, तो उन उनको जो है वो पकड़ भी रही है, लेकिन फिर भी इतना वो लोग जो है उस पर इतना उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। लेकिन हुकूमत ने कोई भी ऐसी टीम नहीं बनाई है जो घरों पे जाके करोना चेक करे। तो लिहाजा आप लोग एहतियात कीजिएगा इस तरह की टीमों से और इस तरह के लोगों से आप लोग बचिएगा, और जो है गलत खबरें फैलाने से जो है बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि अभी तक इस वायरस का जो है वो सही इलाज जो है वो मिला नहीं है। तो आप लोग एहतियात करें, मास्क वगैरह यूज़ करें, इसको सीरियस लें, यानी कि जितनी एहतियात हो सकती है इस करें। और ये 2 दिन पहले जौहर के अंदर वाकया हुआ है, क्योंकि उसी एरिया के अंदर उन्होंने 2 घरों को पे लूट मार की है। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम चल सके। शुक्रिया।